दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिद्धार्थ के जाने के बाद से शहनाज कौर गिल घर में अकेला फील कर रही हैं। अब तो शहनाज के मम्मी पापा भी मुंबई छोड़कर पंजाब जा चुके हैं और अब शहनाज के साथ सिर्फ शहबाज ही उनके परिवार के सदस्य के रूप में बचे। अब जो भी शहनाज से मिलने या सिद्धार्थ के जाने का अफसोस करने शहनाज के पास आता है तो यही कहता है कि अब तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम के लिए निकलना चाहिए। या दोस्तों, ये कहते भी सुना गया है कि अब सिद्धार्थ के जाने के बाद तुम्हारा यहाँ क्या बचा है, तुम्हें तो अब पंजाब वापस चले जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जितनी मुंह उतनी बातें। शुरू शुरू में तो सब शहनाज से सहानुभूति जता रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब ने शहनाज को ये कहना शुरू कर दिया है कि इस सदमे से बाहर निकलो और अपने काम में जुट जाओ। दोस्तों, मम्मी पापा के जाने के बाद से शहनाज बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। सिद्धार्थ की रस्म क्रिया तक तो माहौल कुछ और था, लेकिन अब माहौल काफ़ी बदल गया है और सिद्धार्थ के घर आने जाने वाले हर इंसान अब ये कहने लगा है कि अब कितने दिन ये सब चलता रहेगा, जल्दी कोई काम शुरू करो, और रोज़ करोड़ों का नुकसान हो रहा है, अब जल्दी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाओ और आगे बढ़ो, सिद्धार्थ अब वापस नहीं आने वाला है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि शहनाज पर मुंबई छोड़ने या सिद्धार्थ का घर छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि शहनाज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि शहनाज पर सिद्धार्थ का घर या मुंबई छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है या नहीं? जो भी आपके विचार हैं ज़रूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ हर लेटेस्ट खबर के लिए दोस्तों नीचे रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।